करके मेमोरी कार्ड रिकवरी एंड मेमोरी को आप भी रिकवर कर सकते हैं। अगर जो आपकी डेटा मेमोरी के अंदर था, डेटा डिलीट हो गया है, आप जो मेमोरी को भी रिकवर कर सकते हैं। जो एक सॉफ्टवेयर है एंड मैंने इंस्टॉल किया, देखो रिकवरी के नाम से है, एंड एक और भी सॉफ्टवेयर है मेमोरी कार्ड रिकवरी के नाम से है, वो दूसरे आप भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं आता हूँ जो मेमोरी को फॉर्मेट करता हूँ, इसके बाद जो रिकवर भी करता हूँ। एंड मैं आता हूँ इधर ही मेमोरी को, एंड देखो ये मेरा मेमोरी कार्ड है, मैं इसको ओपन करता हूँ। एंड इसके जो अंदर कुछ डेटा देखो, दो पीडीएफ है एंड दो पीडीएफ है एंड पिक्चर है एंड एक दो जो वीडियो है, देखो इसको मैं ओपन करता हूँ। एंड जो ये वीडियो है, देखो ये वीडियो है एंड इधर ही आता हूँ मैं, इसको फॉर्मेट करता हूँ। ये सारा ये पिक्चर है, देखो ये पिक्चर को मैं ओपन करता हूँ, देखो ये पिक्चर है। एंड ये सारा को मैं आता हूँ डिलीट करता हूँ, फॉर्मेट डिलीट करता हूँ, कंट्रोल है इसको करता हूँ डिलीट। एंड देखो ये डिलीट हो गया, मैं आता हूँ फिर, एंड देखो ये मेमोरी कार्ड है, मैं इसको ओपन करता हूँ। पहले इसके अंदर जो डेटा था अभी ये डिलीट हो गया है, मैंने डिलीट किया है। एंड मैं आता हूँ जो सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ, एंड सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, इसको मैं करता हूँ यस। एंड देखो ये ओपन हो गया है, एंड वाई को आपको रिकॉर्ड करना है, वाई को सिलेक्ट करना है, मैं आता हूँ इधर चेक करता हूँ। एंड मेमोरी कार्ड के नाम से है, मैं इसको ओपन करता हूँ। अभी देखो कुछ फाइल नहीं है, मैंने डिलीट किया है। एंड मैं आता हूँ इधर ही वाई को सिलेक्ट करता हूँ, मेमोरी कार्ड के नाम से है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको स्कैन करना है, एंड देखो जितना फाइल मैंने डिलीट किया था वो सारा इधर ही रिकवर हो गया है। देखो ये है, अगर जो आपको एक को रिकवर करना है, एक को दो को भी कर सकते हैं, वाई को सेलेक्ट करता है वो जो रिकवर होता है। देखो मैं इसको आता हूँ, ये पीडीएफ है, देखो ये वीडियो है, ओपन नहीं हो रहा है, जो ये पिक्चर देखो इधर ही शो कर रहा है। एंड इसको मैं आता हूँ एंड सारा को सेलेक्ट करता हूँ ये है। एंड मैं आता हूँ इधर जो एक फाइल बनाता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ, ये फोल्डर है एंड जो इसकी नाम है न्यू फोल्डर मेमोरी कार्ड के नाम से मैं करता हूँ इसको। अभी देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मेमोरी कार्ड के नाम से है रिकवरी, मेमोरी कार्ड रिकवरी। मैं आता हूँ फिर वही जगह में, देखो ये मैंने सारा सेलेक्ट किया है। एंड इसके बाद आपको रिकॉर्ड पर सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, एक आप पर सेव करना है एंड डेस्कटॉप। फिर मैंने एक फोल्डर जो बनाया है, ये डेस्कटॉप है, ये डेस्कटॉप में है, फोल्डर का नाम क्या है और नाम है मेमोरी कार्ड रिकवरी। एंड इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसके बाद जो ओके पर आपको सेलेक्ट करना है। एंड देखो ये रिकवरी हो रहा है, जितना की फाइल था ये बहुत 18, देखो 18 फाइल है एंड जो 22 हो गया है, ये सारा रिकवर होता है। इसके बाद आपको ओके करना है। एंड मैं आता हूँ वही फाइल को ओपन करता हूँ, देखो ये फाइल है, मैंने डिलीट किया था सारा मेमोरी कार्ड को, देखो ये सारा आ गया है, देखो ये है। एंड वो जो कुछ वीडियोस था, देखो एक वीडियो, दो वीडियो है एंड थ्री वीडियो है एंड दो पीडीएफ था, देखो ये है। मैं आता हूँ ये वीडियो को ओपन करता हूँ, पहले जो मैंने एंड ओपन किया था, एंड देखो ये ओपन हो गया है, वही वीडियो है पहले जो मैंने ओपन किया था एंड अभी भी ओपन हो गया है, देखो यही है। एंड दूसरे को इसको मैं भी आता हूँ ओपन करता हूँ, ये भी ओपन होता है, देखो ये भी ओपन हो रहा है, देखो ये सॉन्ग है। एंड मैं आता पीडीएफ को ओपन करता हूँ, ये पीडीएफ है, पीडीएफ भी ओपन होता है। इसके बाद मैं पिक्चर को भी ओपन करता हूँ, एंड पीडीएफ को आता हूँ, एंड ये भी ओपन हो रहा है, देखो ये भी ओपन हो गया है। एंड जितना भी फाइल था एंड पीडीएफ था एंड पिक्चर था, सारा देखो ये रिकॉर्ड हो गया है। मैं आता है पिक्चर को ओपन करता है, पिक्चर भी ओपन होता है, देखो ये पिक्चर है।
एंड इसको मैं आता हूँ जो कॉपी करता हूँ, फिर मेमोरी को पेस्ट करता हूँ। एंड इसको करता हूँ कट। देखो ये मेमोरी है, ये मेमोरी कार्ड है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसको करता हूँ पेस्ट। देखो पेस्ट हो रहा है, देखो कुछ इधर फाइल है, देखो ये एंड जो ये कॉपी हो रहा है। देखो इसको मैं ओपन करता हूँ, देखो जितना भी फाइल था वो सारा फाइल इधर ही आ गया है, ये है। एंड इसी तरीका आप मेमोरी को भी रिकोर कर सकते हैं। एक और भी सॉफ्टवेयर है मेमोरी कार्ड रिकवरी के नाम।